मुझे नोबिता के साथ क्या होने वाला है? मैंने सोच लिया है, अगर मैं मॉम को सब कुछ सच बता दूंगा तो वो मुझे बहुत डांटेगी और वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। अब क्या करूँ? समझ में नहीं आ रहा। लगता है मॉम के गुस्से से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है मैं कहीं जाकर छुप जाऊँ। ठीक है, मैं अब यही करूँगा, लेकिन अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं रॉक पेपर सीजर्स कर लेता हूँ। ये हाथ जीता तो मैं सब बता दूंगा, ये जीता तो छुपा दूंगा। रॉक पेपर सीजर्स 1 2 3, रॉक पेपर सीजर्स 1 2 3, रॉक पेपर सीजर्स, रॉक पेपर सीजर्स, रॉक पेपर सीजर्स। ये तुम क्या कर रहे हो नोबिता? जरा इसे देखो। फिर से जीरो आया? तुम कब तक जीरो लाते रहोगे? मैंने मॉम से प्रॉमिस किया था मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा, पर अब वो बहुत गुस्सा करेंगी। सिर्फ इस बार समझे? तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हें इतना दुखी नहीं देख सकता। गाइड मशीन, ये क्या है? जब भी तुम्हें कुछ समझ ना आए तो तुम इस बटन को दबा सकते हो और ये तुम्हें बताएगा क्या करना चाहिए। सच में? चलो कोशिश करके देखते हैं। क्या मुझे मेरे मार्क्स मॉम को बता देने चाहिए या छुपा देने चाहिए? ये क्या लिखा है? 7 बजे मॉम को सब सच बता देना। अगर मुझे सच बताना है तो मैं अभी क्यों नहीं बता देता? मुझे लगता है तुम्हें इसकी बात माननी चाहिए नोबिता। ऐसे कैसे मान लूं? फिक्र मत करो नोबिता, तुम सिर्फ नोबिता। कल का तुम्हारा टेस्ट कैसा था? दिखाओ मुझे। छुपा क्यों रहे हो, दिखाओ मुझे। हाँ मॉम, मैं बताता हूँ। अरे मुझे लगता है फोन बज रहा है मॉम। हाँ सच में? चलो चले यहाँ से। आज तो बच गए। 7 बजे तक तुम्हारा बाहर रहना ही ठीक रहेगा नोबिता। 7 बजे तक? पर डोरेमोन, मुझे लगता है अगर मैंने मॉम को अभी बता दिया तो वो नहीं डांटेंगी। अगर तुम्हें इस पर विश्वास नहीं है तो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लो। एक्सपेरिमेंट? अरे हाँ जियान, ये सही वक्त पर आया है। लगता है उसे गुस्सा आ रहा है। हमें उसे मुस्कुरा कर देखना चाहिए, उसे बिना मिले चले जाना चाहिए। क्या सही रहेगा, जल्दी बताओ। उसे जाकर लात मारो। ठीक है डोरेमोन, रुको। शुक्रिया डोरेमोन, ये कैंडी मेरे गले में अटक रही थी और मैं परेशान हो गया था। क्यों, अब समझ आया तुम्हें? सुनो नोबिता, तुम्हारा टेस्ट कैसा था बताओ। भागो! अरे भाग क्यों रहे हो? मतलब इस बार भी? अगर मॉम ने हमें फिर से ढूंढ लिया तो? कुछ भी करके तुम्हें 7 बजे तक बाहर ही रहना होगा नोबिता। अगर मैंने 7 बजे तक सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? वो तो तभी पता चलेगा ना जब तुम बताओगे, विश्वास रखो। चलो खेलते हैं ना। क्या कहा? ठीक है शिज़ुका, अब हम खेलते हैं। क्योंकि हमारे पास आज बहुत टाइम है। माफ करना, आज मेरी पियानो की क्लास है, मुझे चलना होगा। क्या? सुनियो के घर पे बहुत सारे कॉमिक्स और खिलौने होंगे ना? हाँ, वहाँ पर तो हम 7 बजे तक रह पाएंगे। अरे तुम दोनों यहाँ कुछ काम था क्या? क्या हम अंदर आ सकते हैं? मॉम, आप आ गई? हाँ, सही कह रही है। ठीक है चलो चलते हैं। अरे नहीं। अरे नोबिता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना मॉम। नोबिता, मैंने कहा रुक जाओ। हाँ, अचानक से इन्हें क्या हुआ? अरे इन्हें क्या हुआ? नोबिता, डोरेमोन, नोबिता, अब क्या करे डोरेमोन? हमें बस 7 बजे तक बाहर रहना है। अरे नहीं, दोनों कहाँ चले गए, उन्हें ढूंढना होगा। ये दोनों भी ना। बारिश? क्या? अब हमें कहाँ छुपना चाहिए?
नोबिता, मैं जानती हूँ तुम यही हो। नोबिता, नोबिता, मैं जानती हूँ तुम यही कहीं छुप रहे हो। देखो जल्दी से बाहर आ जाओ, नहीं तो बाहर नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे? तुम सुन रहे हो ना नोबिता? लगता है अब सब कुछ बताना होगा। हार मत मानो नोबिता, बस थोड़ी देर और। लेकिन डोरेमोन, मेरे गैजेट पर भरोसा रखो और रुके रहो। बस 7 बजने ही वाले हैं। मैं आ गया। डैड आ गए। अरे आप आ गए? हाँ। मुझे आपसे नोबिता के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर में 7 बजने वाले हैं और अब तो मुझे मॉम के साथ साथ डैड भी डांटेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये बहुत बुरी बात है। नोबिता को ऐसे भागना और छुपना नहीं चाहिए था। देखिए आप ही उसे जरा अपनी तरफ से डांटिए। नोबिता तुम कहाँ हो? लगता है मुझे अब तो बाहर जाना ही होगा डोरेमोन। तुम हार नहीं मान सकते नोबिता, बस थोड़ा और सब्र रखो। तुम चुप रहो। मुझे माफ करना डोरेमोन। नोबिता, मुझे अपना टेस्ट पेपर दिखाओ। हाँ? ये क्या 0 मार्क्स? और ऊपर से तुम इसे हमसे छुपा रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया? ध्यान से देखिए इस पर का नाम। अरे मुझे ये यहाँ से मिला, इस पर आपका नाम लिखा है। बचपन में बच्चों से गलतियाँ होती रहती हैं, तो तुम अगली बार और मेहनत करना, ठीक है बेटा? ठीक है। क्या आपने उसे अच्छी तरह से डांटा? हाँ बहुत डांटा। उसे हमेशा 0 मिलता है, पता नहीं वो क्या करने वाला है। हाँ, हाँ। चलो आप मुझे शुक्रिया कहो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डोरी।